हैदराबाद के हॉस्टल में छात्र हिमांग बंसल को पीटा, लगवाए अल्लाह अकबर के नारे, लात चाटे से मारने का वीडियो बनाया, वायरल किया, फिर जान से मारने की धमकी भी दे दी। पैगंबर मोहम्मद पर सो कॉल आपत्तिजनक कमेंट के हैदराबाद में छात्र के साथ मारपीट। हिमांग को खुद से 3 साल छोटी उम्र की लड़की से सिर्फ दोस्ती करने के चक्कर में अधमरा होने तक मारा गया। ट्विटर पर बोला जा रहा है, अगर मारने वाले हिंदू होते तो अब तक सो कॉल्ड सेकुलर ट्वीट्स की बात ला दिए होते। क्या सिर्फ मुस्लिमों के चोटों पर ही पसीसता है सेकुलरों का दिल? ट्विटर पर वायरल हो रहा है वीडियो। कब और कैसे 15 से 20 लड़के जबरन कॉलेज में घुस आए और उन्होंने हिमांग ना सिर्फ हमला बल्कि जबरन अल्लाहू अकबर के नारे भी लगवाए और बाद में उसके प्राइवेट पार्ट पर पैर से मारा, प्रताड़ित किया और वीडियो भी बनवाया। जानिए क्या है पूरा मामला इस वीडियो में और वीडियो के अंत तक बने रहे। हैदराबाद के एक हॉस्टल में छात्र के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो हैदराबाद के ICFA बिजनेस स्कूल का है। जिस छात्र को पीटा जा रहा है उसकी पहचान लॉ स्टूडेंट हिमांग बंसल के रूप में हुई है। आरोप है कि उसने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। पुलिस ने छात्र की शिकायत के बाद 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वीडियो में हिमांग अल्लाह अकबर के साथ साथ जय माता दी भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जिसके बाद उनको और यातनाएं दी जा रही है, उनको और पीटा जा रहा है। रिपोर्ट्स के अनुसार हॉस्टल के भीतर मारपीट की घटना 1 नवंबर की है। हिमांग ने अपने इंस्टीट्यूट को इस घटना के बारे में 3 नवंबर को एक शिकायत पत्र लिखा। शिकायत में कहा गया है कि 1 नवंबर को 15-20 लड़के हिमांग के रूम में घुस गए, उसके साथ मारपीट की, प्राइवेट पार्ट पर पैर से मारा, प्रताड़ित किया और वीडियो बनाया। हिमांग ने आरोप लगाया कि आरोपी छात्रों ने उसे कपड़े उतारने को कहा, ऐसा नहीं करने पर जान से मारने की धमकी दी। फिर हिमांग ने अपनी शिकायत में लिखा, मारपीट करने वाले छात्रों से मैंने पूछा कि मेरी गलती क्या है, तो उन्होंने कहा कि मैंने पैगंबर मोहम्मद का अपमान किया। मैंने पैगंबर के बारे में एक स्टूडेंट के साथ प्राइवेट चैट में बात की थी, उसी ने मैसेज का स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया। इसके बाद उन छात्रों ने मेरी पिटाई की। उन्होंने मुझे धमकाया कि अगर मैं कॉलेज प्रशासन से शिकायत करता हूँ कि वो मुझे दफन कर देंगे। हिमांग ने लिखा कि उन लोगों ने जबरन उसके गले, नाक और कान में कोई पाउडर डाल दिया। इसके कारण उसे खाना खाने में 3 दिन तक दिक्कत हुई। मारपीट करने वालों ने उसका पर्स छीन लिया और सारे पैसे निकाल लिए। पुलिस ने 11 नवंबर को मामले में शिकायत दर्ज की है। मारपीट का वीडियो 12 नवंबर को वायरल हुआ है। उसके बाद ट्विटर पर कई लोगों ने इसकी शिकायत की और हिमांग के इंसाफ के लिए पूरा देश खड़ा है। कई ट्विटर यूजर सेकुलर नेताओं और सेलिब्रिटीज को कोस रहे हैं, जो कि एक छोटी सी चोट पे मुसलमानों के लिए खड़े हो जाते हैं, पर एक हिंदू के लिंचिंग पर सब चुप्पी बांधकर बैठे हुए हैं। आपके क्या सोचना है इस वीडियो पर, हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।